पिछले 70 दिनों से प्रदर्शन करते विस्थापित कश्मीरी पंडित कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर आज एक रोष रैली निकाली। गौरतलब है कि विस्थापित कश्मीरी पंडित कर्मचारियों की मुख्य मांग है कि कश्मीर के तनावपूर्ण हालातों के चलते उन्हें जम्मू संभाग में ही कहीं तैनात किया जाए। प्रदर्शनकारी विस्थापित कर्मचारियों के साथ उनके बच्चे भी रोष रैली में शामिल हुए। कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस बारे में हस्तक्षेप करने की मांग की। लगभग 1600 विस्थापित कश्मीरी पंडित कर्मचारी पिछले 2 महीनों से ज्यादा समय से रिलीफ कमिश्नर जम्मू के कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्ली टाइम्स। सर, हम आज ये प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, पिछले 2 महीने 70 दिनों से हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, हमें नहीं पता है कि वो किन शर्तों पे ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं। चाहे वो एटलीस्ट हमारे इंटरेस्ट को वो साइडलाइन नहीं कर सकते हैं। हमें वहां से, चाहे वो कौन से मिस्क्रिएंट थे, हमें वहां पे पत्थर मारे गए, हमारे क्वार्टरों को निशाना बना गया और हम वहां से यहां आए इस उम्मीद में कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे लिए कुछ सोचा होगा, लेकिन टिल डेट कुछ भी नहीं हुआ। हम उनसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम अपने बेसिक फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं। जो हमारा फंडामेंटल राइट जीने का हक जो है वो भी वायलेट हो रहा है। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यही रिक्वेस्ट है कि हमारी इस डिमांड को जब तक कि कश्मीर के हालात नॉर्मल नहीं होते और जब तक कि कोई कॉम्प्रिहेंसिव प्लान नहीं बनता है, तब तक हम जाने के लिए रेडी नहीं है। हम लोग काम करना चाहते हैं, हम लोग अपने नेशन को सर्व करना चाहते हैं, लेकिन जब तक पूरी कम्युनिटी के लिए हमारा वहाँ रोड मैप एक बनेगा नहीं कॉम्प्रिहेंसिव, उसी डिग्निटी और ऑनर के साथ जो हम 90 से पहले रहते थे वैसे रहेगी पूरी कम्युनिटी, तो उस टाइम हम एम्प्लॉइज भी वहां जाने को तैयार है, लेकिन तब तक हम लोग को यहाँ पे एडजस्ट किया जाए।